बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा नसीर काशिफ नदीम एक प्रेमी व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दो प्यारे कज़न की शादी हो रही है, यानी कि मामू के बेटों की। इससे पहले चार वाले जो व्लॉग थे, अगर आपने वो देखे हैं तो इस व्लॉग का आपको बहुत ज़्यादा देखने का मज़ा आएगा, क्योंकि पहले वाले व्लॉग में हमने आपको दिखाया था कि हम सेहराबंदी कैसे करते हैं, बारात कैसे जाती है। दूसरे वाले व्लॉग में जो रात का फंक्शन है, खाना वगैरह, वो दिखाया था। तीसरे व्लॉग में हमारी जो रिवायती सराय की बलोची झूमर डांस होती है, वो आपको दिखाया था। और जो फिर आज का व्लॉग था सुबह के टाइम का, वो भी हमने आपको दिखाया कि तकसीम ताम कैसे होती है। सुबह 7 से 9 बजे तक लोग बर्तन लेकर आए थे, उनमें उन्हें खाना दिया गया था। और अब 11 से 3 बजे तक है दावत वलीमा। तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली है। हमारे प्यारे मामू का गांव हमारे प्यारे गांव से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है, तो वक्त को ज़ाया किए बगैर आइए हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम खैर से शादी वाली जगह पे आ गए हैं। ये सामने हमारे प्यारे कज़न का घर है, ये इनकी बैठक है। बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत इनका गांव है। ये इनके सोलर प्लेट लगे हुए हैं, चावल के खेत हो गए। पहले वाले व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था जिस जगह पे ये टेंट है और जहाँ देगें पकाई गई थी, ये 1 बीघा ज़मीन है। कुछ सवारियां यहाँ खड़ी हुई हैं, कुछ वहाँ जो उनकी बैठक है वहाँ खड़ी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत माहौल है। देगे सारी सुबह ही इन्होंने पका ली थी। अब हम सीधा चलेंगे टेंट के अंदर। दोस्तों, हमने इधर उधर की वीडियो बहुत बना ली, अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाएंगे। यहाँ पे सारे लोग मज़े से खाना खा रहे हैं। बीफ कोरमे से फुल प्लेट हमारे सामने रख दी गई है। बिस्मिल्लाह, बोटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह पकी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बीफ कोरमे का रायता बड़ा ही आला और लाजवाब है। जब लोग दोस्तों वहां से खाना खा के आते हैं तो यहां पे सलामी लिखाते हैं। दूल्हे के कुछ दोस्त और रिश्तेदार यहां पे सलामी लिखा रहे हैं। मोहम्मद अदील के पास काफी पैसे जमा हो गए हैं दोस्तों।
दोस्तों शादी पे 30 से 35 देगें बीफ कौरमे की गई हैं, बाकी एक दो देगें चिकन कौरमे की भी हैं। अगर किसी को चिकन कौरमा खाना है तो उसका भी इंतज़ाम है। सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही मज़े से खाना खा रहे हैं। कोई चिकन कौरमा खा रहा है तो कोई बीफ कौरमा खा रहा है। बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत टेंट यहाँ पर लगाया गया है। इससे पहले वाले व्लॉग में भी हमने आपको दिखाया था कि सलामी दूल्हे के चाचू मोहम्मद साबिर लिख रहे हैं और पैसे मोहम्मद अदील भाई ले रहे हैं। अदील भाई के वालिद मोहम्मद असगर हमारे प्यारे मामू। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों शादी का यहाँ पे बड़ा ही प्यारा माहौल है। ऐसे लग रहा है जैसे कि हम किसी शादी हॉल में आ गए हैं। गाँव की शादी में ऐसा माहौल बड़ा ही अजीब दिखता है दोस्तों। एक दौर था कि चारपाइयाँ हुआ करती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। हमारे प्यारे दूल्हे भी यहाँ पे बैठे हैं। मोहम्मद बासित बैठे हुए हैं, मोहम्मद उवैस खड़े हुए हैं, इनके दोस्त इनके साथ गपशप कर रहे हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों दावत वलीमा का बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पर। दोनों दूल्हों के वालिद उस्ताद मंजूर हुसैन पिरहार अपने ख़ास मेहमान के साथ अंदर आ रहे हैं। इस गांव के लड़के मेरे कज़न यहां पे खाना खा रहे हैं और इन्होंने यहां पे बहुत ज़्यादा रश किया हुआ है। हमारे कज़न मोहम्मद आसिफ खान पूरी कौम एक ही टेबल पे बैठी हुई है। इन्होंने बहुत ज़्यादा दोस्तों हेल्प की है और अब ये थक गए हैं, अब सारे मज़े से खाना खा रहे हैं। दोस्तों अगर कास्ट की बात की जाए तो हमारे जो मामू हैं इनकी कास्ट है पिरहार और हम वडानी बलोच हैं। ये सरेकी हैं और हम बलोच हैं। खैर अब हम बाहर की तरफ चलेंगे। कुछ छोटे बच्चे वहाँ भी खाना खा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों जिस बंदे को बीफ कौरमा चाहिए तो उन्हें बीफ कौरमा दिया जा रहा है। दूल्हे के वालिद बीफ कौरमा दे रहे हैं। रोटियां पकाने का सिलसिला अब रोक दिया गया है। काफी सारी रोटियां यहाँ पे रखी हुई हैं। दोस्तों अब हम वहाँ पे चलेंगे जहाँ पे सोलर वाला बहुत बड़ा ट्यूबवेल चल रहा है। ये तुरी की बेल है दोस्तों। जिन्होंने देगे पकाई यानी के सालन पकाया और जिन्होंने वहाँ पे दोस्तों काम किया रोटियाँ पकाई तो वो लोग यहाँ अब निहार रहे हैं। ये लोग शहर से आए हैं तो इनके लिए ये जगह ये पानी ट्यूबवेल का साफ़ शफाफ किसी नेमत से कम नहीं। ये देखें दोस्तों बड़ा ही साफ शफाफ पानी है सोलर वाले ट्यूबवेल का। बहुत बड़ी मोटर यहाँ पे लगी हुई है। दोपहर का टाइम है, गर्मी है, इसीलिए ये लोग यहाँ निहार रहे हैं। कुछ नए मेहमान भी आ रहे हैं, मगर अब ज़्यादा मेहमानों के आने का सिलसिला रुक गया है, थम गया है। पानी बड़े ही स्पीड के साथ जा रहा है। ये देखें दोस्तों तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा कि हमारे यहाँ दावत वलीमे का इंतज़ाम कैसे किया जाता है। व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब रखा।